सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर आज के राशिफल की, आज के कम्युनिटी बाजार की और आज के शेयर बाजार की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही आज के राशिफल से कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा, लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सी पर। सुप्रभात अखिलेश साठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, आज 8 जून 2022 मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, सबसे आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, साथ ही एग्रो कमोडिटीज में क्या होने वाला है, शेयर बाजार में क्या हो सकता है, साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना है। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती है 3 राशियां 1, 5, 9। तेजी की संभावना यानी लाभ कमाने की संभावनाएं बन सकती हैं इन राशियों के लिए। 2-6 तत्व ये हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां निश्चित सुख की तरफ इशारा कर रही है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वायु तत्व की होती है 3 राशियां 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज परेशानियां बढ़ सकती हैं, आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क राशि और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। ये चार राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, इसी के साथ चर्चा करें अगर कम्युनिटी बाजार की और सबसे पहले उसमें भी एग्री कम्युनिटीज की, तो मसालों में देख रहे हैं कि निर्यात कम रहने के चलते जो डिमांड है कम है, सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है आज, ज्योतिष के आधार पर मसालों में खासकर की जीरे और धनिया में कैसा रुख रह सकता है? देखिए, मसालों में हम धनिये के अंदर हम पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि इसकी फसल लगने में अभी टाइम बाकी है और जो मौजूदा स्टॉक है और उसकी वो डिमांड के हिसाब से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। आपको याद होगा पिछले लगभग 4-5 दिन से लगातार हम बात कर रहे थे धनिये के ऊपर और धनिये ने अच्छी मूवमेंट भी दी है। देखिए, धनिया और जीरा ने गौरतलब है कि यदि आप इसी को यदि आप 2 सप्ताह पहले देखें तो धनिया और जीरे के अंदर लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और मंडी के जो व्यापारी थे या जो वो सब धनिया और जीरे के अंदर हम कमजोरी की बात कर रहे थे। जबकि हमने मार्केट टाइम्स टीवी पे आपको यही कहा था कि धैर्य रखना चाहिए और जो इंट्राडे के अंदर ट्रेड तेजी मंदी एक अलग चीज है, लेकिन धनिया और जीरे के अंदर हमें मजबूती नजर आ रही है। वो मजबूती आपने देखी पिछले 2-3 दिन लगातार शानदार इसने मूवमेंट दी और आज भी हम धनिया और जीरे के अंदर तेजी की संभावना ही देख रहे हैं। लेकिन क्या ये तेजी और तेजी धनिया और जीरे की जो तेजी है ये बरकरार रहेगी और अपने पुराने उच्चतम स्तर के ऊपर जो कुछ महीने पहले है, कुछ समय पहले देखे गए थे, ये इसको क्रॉस करेगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको याद होगा साल 2021 के जो हमने 2022 की अग्रिम बात की थी तो हमने यही भी कहा था कि मसालों का साल होता है 2022 और वैसे ही कुछ दिखने को भी मिला। तो लेकिन क्या होता है कि जब तक आप समय पर मुनाफा नहीं लेते हैं और उसके बाद में परेशानियां करते हैं तो वो फिर दिक्कत आती है। तो हम विशेष एपिसोड लेके आएंगे आपके साथ में, बात करेंगे मसालों में जुलाई के महीने में क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे धनिया और जीरे में तेजी नजर आ रही है। लेकिन एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो इंटरडे ट्रेडर है यानी दैनिक प्रतिदिन तेजी मंदी करते हैं वो समय पर मुनाफा वसूल कर लें तो बेहतर रहेगा। जी अखिलेश जी। जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें अगर दालों की, तो दालों में देख रहे हैं कुछ दालों में नरमी भी है, कुछ दालों में तेजी भी है। आपके अकॉर्डिंग और ज्योतिष के आधार पर दालों में और किन दालों में कैसा रुख रह सकता है? देखिए, उड़द जो है वो सबसे पहले दालों तिलहन के ऊपर, दलहन पर मैं बात करूंगा चने के ऊपर, क्योंकि चने पर लगभग सभी व्यापारी और किसान बंधु इसकी बड़ी देखभाल होती है क्योंकि चने ने पिछले साल लिमिट लगने के बाद एनसीडीएक्स के ऊपर चने की रिमूवल के बाद में बड़ी परेशानी आई है।
चने के अंदर देखिए राजस्थानी चने की कीमत यदि हम दिल्ली को इंडेक्स बना लें तो वहां पे 4,900 के भाव आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो हैं वो करीबन 4,800 के भाव आ गए, जबकि ये पिछले 200 से 300 रुपए की अच्छी तेजी दर्ज हो गई है पिछले कुछ दिनों में। यदि हम कानपुर को भी देख लें तो वहां भी 4,850 रुपए के प्रति क्विंटल है, अकोला मंडी के अंदर भी 4,650 है, बीकानेर राजस्थान से भी खबर 4,850 की आ रही है। तो कुल मिलाकर इंदौर के अंदर भी आप देखें तो वहां भी 4,750 के आसपास के चने के भाव निकलने हैं। और यदि हम थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझ लें तो नाफेड ने भी जो एमएसपी के ऊपर जो इन्होंने खरीद की है वो लगभग 13,78,883 टन चने की खरीद कर ली है उसने, और अब चने के अंदर कुछ तेजी बनी रहने की संभावना बनती है। चने के ऊपर भी कब इसमें मुनाफा आएगा, इसमें कितनी तेजी आने की संभावना बन रही है, जो बेसिकली जुलाई महीना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है उसके ऊपर विशेष रहेगा, क्या बहुत बड़ी तेजी रहेगी या फिर इसमें ऊपरी स्तर पर जो है उसके ऊपर कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग दलहन के ऊपर आपसे विशेष चर्चा करेंगे एक स्पेशल शो के अंदर यदि टाइम परमिट करेगा तो। लेकिन कुल मिला के चना के ऊपर थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है। इसके अलावा फिर हम दूसरी चीज है तुअर, तुअर के अंदर भी कुछ तेजी की संभावना बन सकती है कि इसके अंदर जो 6,550 के भाव है लेमन तुअर के वो भी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र लाइन का माल करीबन 6,450 का है, वर्मा में लेमन तुअर की के $5 की बढ़ोतरी बता रहे हैं, ये $810 प्रति टन पहुंच गई है। इसके अलावा मुंबई को भी हम दलहन बाजार में देखें तो वहां पे तंजानिया की जो मटवारा तुअर है वो भी करीबन 5,350 के भाव प्रति क्विंटल बताई जा रही है। तो गजरी तुअर है वो भी 50 रुपए तेजी की संभावना बन रही है, 50 से 40 रुपए के आसपास 5,350 के ऊपर के भाव आज हो सकते हैं। तो दलहन बाजार के अंदर भी मुंबई के अंदर भी 6,100 के भाव तुअर के या उससे ऊपर के भाव आज होने की संभावना है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। उड़द के लिए जो खासकर जो व्यापारी समझ इसको ध्यान से करते हैं कि खबर आ रही है कि चेन्नई के लिए 500 कंटेनर उड़द लेकर आने वाला जो जहाज है वो जल्द ही रवाना होगा, और जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं इन्होंने वर्मा से उड़द को जो इंपोर्ट किया है उसके 50 कंटेनर एसक्यू का व्यापार वहां पे $800 प्रति टन एफओबी के आधार पर होने की खबर मिल रही है। तो ये सब जानकारियां दर्शकों के लिए लाभदायक हो ऐसी हमारी भावना है। तो कुल मिला के दलहन बाजार का रुख आज थोड़ा सा तेजी की तरफ ही रह सकता है। अभी मूंग की तरफ भी हम देख लें, राजस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर वहां भी 200-300 रुपए की तेजी अभी और बन रही है जो बनी है, और जो ये 5,800 से 5,200 के भाव हैं, और मूंग के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। ये जी कन्हैया जी, कन्हैया जी यहाँ से सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि जो अमेरिकी सोयाबीन वायदा है $1,740 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और घरेलू सोयाबीन जो है वो 6,000 से 7,000 के दायरे में है। तो इन सब के मद्देनज़र और जो कच्चा तेल है उसकी बढ़त को देखते हुए आपको क्या लगता है ये विदेशों में आई तेजी जो सोयाबीन में आई है उसका असर घरेलू बाजार पर कितना देखने को मिलेगा, क्या घरेलू बाजार की सोयाबीन में आगे तेजी आएगी या फिर मंदी? देखिए आपको याद होगा कि जब सरकार ने सोयाबीन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल घटाई थी और 20 लाख टन सोयाबीन और सनफ्लावर और ये सब तेलों के आयात की बात की थी तो आपके साथ ही आपने सवाल पूछा था, तब भी हमने ये कहा था देखिए कि भारत सरकार ड्यूटी घटाए या बढ़ाए उसका फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जब तक तेलों के भाव खाद्य तेलों के भाव कंट्रोल में नहीं है भारत के बढ़ाने घटाने से कोई फौरी तौर पर तो कुछ फर्क पड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं होता। और ये दोबारा अभी आपको याद होगा जनवरी महीने में ऐसे ही कुछ हुआ था, उस वक्त भी हमने यही कहा था 1,027 रिफाइंड सोया बिकने वाला 1,700 तक बिका। तो यही हम कहना है कि भारत सरकार को यदि कुछ करना है तो उसको चाहिए तिलहन के प्रमोशन के लिए बड़ी रिसर्च उपलब्ध कराए, किसानों को या को अधिक फंड्स अवेलेबल कराए, उनकी एमएसपी के रेट बढ़ाए, और समय पर जब सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नीचे दाम पे हो तो उसका स्टॉक करें, क्योंकि देखिए जब और जो कि चाइना करता है
जब भी सोयाबीन के दाम नीचे होते हैं चाइना अपना स्टॉक बना लेता है और जैसे ही बाजार में दाम बढ़ते हैं वो रिलीज कर देता है जी। जो एमएसपी से आप देखिए सरसों है सोयाबीन है इसको सरकार किसानों ने पिछले साल भी नहीं दिया था और आपको याद होगा उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जो सरकार के पास सोयाबीन और सरसों की खरीद के पैसे बचे हैं उसका उपयोग वो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने समस्या कहाँ है जी। वो इंपोर्ट करके अपना एक बफर स्टॉक बना ले और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज कर दे। वो सारी ही चीज व्यापारी ही इंपोर्ट करके अपनी मनमर्जी से प्लस माइनस करे ऐसा क्यों? सरकार भी तो करती है, सरकार भी कर सकती है। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दाम गिरते हैं उन गिरे हुए दामों पर आप इंपोर्ट कर लीजिए अपने पास रखिए और जैसे ही बाजारों में तेज भाव बढ़े उसके अंदर आप अपना स्टॉक रिलीज कीजिए। यदि आप ये पद्धति अपनाएंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी और भाव कंट्रोल्ड में भी रहेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है जब भाव जब फसलें आती है उस वक्त सारी प्रतिबंध लग जाएंगे और जब बाजार में बेताशा तेजी दर्ज हो जाएगी पिछली बार 4400 रुपए का सोयाबीन बिक गया उस वक्त तो सारी सरकार ने भी सारे प्रतिबंध सब कुछ और वो नीचे के दाम ने किसानों को ने कुछ माल बेच दिया। अब पॉइंट ये है कि जब वो 8000 के ऊपर का बेचा उस वक्त सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाए तो प्रतिबंध लगने हैं तो जब नीचे के माल पे माल बिक रहा है किसान दे रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट में है उस वक्त आपको अपनी एक एवरेज एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इससे नीचे जाएगा तो हम किसानों से माल एमएसपी से पे या उससे ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केट से माल खरीद के अपना एक बफर स्टॉक बनाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज करेंगे क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। सरसों सरकार को नहीं बेचा किसानों ने, सोयाबीन नहीं बेचा किसानों ने, कॉटन भी बहुत कम बेची तो जो फंड अवेलेबल है उस फंड का समुचित उपयोग होगा तो उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब आप देखिए कि अभी बाजार में कमी है खाद्य तेलों में लेकिन एमआरपी के अंदर उतनी कमी नहीं आई है। ये हमेशा मैंने मार्केट टाइम्स के यही कहा है कि उपभोक्ताओं को पैसा नहीं मिला, किसानों को पैसा नहीं मिला, बिचौलिया पैसा खा रहे हैं, वो अपना पूरा अन्न उठा रहे। जब सोयाबीन और सरसों के दाम नीचे थे अब आप देखिए सरसों के भाव 8500 रुपए थे अभी फरवरी के अंदर और अभी सरसों के भाव 6200-6300 भी आए तो लेकिन वो 6200-6300 आए तो वो जब 2000 रुपए टूटे 1800 रुपए टूटे तो उसके मुकाबले सरसों का तेल नहीं टूटा जो उपभोक्ताओं को आपको और मुझे मिलने वाला है तो फिर फायदा किसको हो रहा है। तो ये जब तक इसके ऊपर एक कोई सशक्त नीति नहीं बनेगी कि एमएसपी और एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं होगा उपभोक्ता को पूरा लाभ नहीं मिलेगा, महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगा, यही मेरा कहना है मार्केट टाइम्स के दर्शकों के दर्शक और आपके माध्यम से सरकार को और नीति निर्धारकों को। ये अखिलेश जी जी कन्हर जी सोयाबीन का बुआई का सीजन आ चुका है तो ऐसे में क्या लगता है क्या इस बार सोयाबीन की ज्यादा बुआई रह सकती है? देखिए जहां तक सोयाबीन की सोइंग की बात है क्योंकि फसल का टाइम आ चुका है खरीफ का तो सोयाबीन के अंदर मुझे लगता है कि किसानों को पैसा जरूर मिला है इसमें कोई दोराय नहीं है और उसके अंदर लेकिन जिन्होंने टाइम से मुनाफा लिया उन्होंने फायदा भी उठाया जो जिन्होंने टाइम से मुनाफा नहीं लिया उनको परेशानियां भी दर्ज हुई क्योंकि ये तेजी मंदी ये व्यापार की स्थिति रहेगी इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि ये उतार और चढ़ाव दोनों ही बाजार की फितरत है और होगा लेकिन ये है मेरा किसानों को यही कहना है कि आप यदि मान लो आपके पास छोटे किसान है 100-200 टन माल है 100-200 क्विंटल माल है तो उसको सबसे ऊंचे दामों पर आप इंतजार बात करिए आप उसके लिए अपना माल 50% अपने अच्छे दाम मिल रहे हैं उसको ले लीजिए 25% से और अच्छे दाम मिल रहे हैं फिर ले लीजिए 20-25% माल छोड़ दीजिए आपको सर्वश्रेष्ठ दामों के लिए तो आप हमेशा बेहतर रहेंगे। अन्यथा होगा ये कि आप उच्चतम दामों के फेर में आप रह जाएंगे और फिर बाजार के दाम घटते हैं फिर और घटते हैं फिर और घटते हैं और फिर वो परेशानी होती है। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे रणनीति अपनाएंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। सोयाबीन की फसलों की बुआई में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही जी।
ये से कन्हैया जी, अभी अभी ताजा खबर निकल के सामने आई है कि आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है, 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है, तो इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर कितना रहेगा? देखिए, 50 बेसिक पॉइंट की जो आरबीआई ने बढ़ोतरी की है, जिसका कल हमने चर्चा भी की थी, आपको याद होगा, और इसका जो असर जो बुलियन पे पड़ रहा है, मुझे लगता है कि इंडियन रूपी की कुछ मजबूती इससे बनने की संभावना है। इससे इंडियन रूपी मजबूत होगा, और इंडियन रूपी मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बुलियन पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बुलियन जो है वो रुपी की तेजी मंदी से आंशिक प्रभाव डालता है। सबसे ज्यादा फर्क डॉलर वर्सेज यूरो के फ्लक्चुएशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क रुपी के फ्लक्चुएशन से नहीं पड़ना है, क्योंकि यूरो और यूएसडी के बीच में जो पेयर अप है उसके अंदर अभी कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है, और जब तक उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा तो उसके अंदर बुलियन में, खासकर सोना और चांदी में, उसमें कोई विशेष नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय रुपया 71 पैसे चल रहा है अभी, 77 रुपए 71 पैसे के आसपास, और गोल्ड और सिल्वर के अंदर मार्जिनल फ्लैट भाव चल रहे हैं। तो लेकिन कुल मिला के मुझे सोने चांदी में आज थोड़ी सी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ये बाउंस हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जी गणेश जी, ये से कल अजय जी बात रुख करें अगर स्टॉक मार्केट की तरफ, तो स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रहेगा और किन शेयरों में कितनी मंदी तेजी रहेगी? देखिए, मुझे क्योंकि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी है, इससे बैंकों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, कि बैंकों में क्योंकि यदि भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बेसिक पॉइंट से तो इससे लिक्विडिटी की कमी होगी, लेकिन बैंक अपने लोन महंगे जरूर करेगा जी। और ये भी एक गौरतलब है कि बैंक आपके एफडी में जितना इंटरेस्ट देता है उससे ज्यादा कहीं आपसे चार्ज करता है यदि आप बैंक से लोन लेते हैं जी। और यही बैंकिंग का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, कि जितनी भी ये बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी है, इससे ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआई, चाहे वो घर की हो, चाहे कार की हो, चाहे स्कूटर की हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, इन सब के अंदर जो अरबों रुपए का जो लोन चल रहा है लोगों के पास, उनकी ईएमआई बढ़ जाएंगी। अब बाजार में महंगाई कम होगी और कितनी कम होगी और कब तक कम होगी वो तो एक देखने की बात है, लेकिन ईएमआई जो आपकी किस्तें चल रही हैं उसके अंदर तुरंत इजाफा आ जाएगा, और इससे जितने भी बैंक हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, या पंजाब नेशनल बैंक हो, इनको तुरंत फायदा तुरंत मिलने का, क्योंकि ये लोग एफडीओ में जो रेट हैं उसके बनिस्पत जो आपकी ईएमआई पे रेट्स हैं उसको बढ़ाने में सबसे पहले तुरंत एक्शन करते हैं, और रेपो रेट जो के अंदर भी जो हुआ है, तो इन सब मिला के मुझे बैंकों के अंदर फर्क पड़ता है। ये 4.65 से बढ़कर इन्होंने बढ़ा दिया है, तो इससे मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छा मूवमेंट आने की संभावना बन रही है, और ये लगातार आगे और भी बढ़े ऐसी मेरी सोच है, क्योंकि जब तक महंगाई पर काबू नहीं आएगा सरकार ऐसे कड़े कदम लगातार उठाएगी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, क्योंकि दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आपके पास रोजगार के नए अवसर पैदा हों, लेकिन ये तीनों ही चीज नहीं हो रही है, तो ये तो चौथा कदम होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट के अंदर फ्लक्चुएशन करना, उसको बढ़ाना घटाना, वो सरकार कर रही है। पहली तीन चीज के अंदर कितना इजाफा हो रहा है वो उसके आंकड़े आपके पास स्वयं के पास है। जी गणेश जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।